हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि आपको जो पंजाब नेशनल बैंक बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड देता है वो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट के बेस पे दिया जाता है। तो कैसे हम पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को पहले इसके बारे में जानकारी दे रखी है कि पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में कैसे मिलता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या नियम और शर्तें हैं, मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट में लेने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने ये भी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो बिना फिक्स डिपॉजिट के तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो पहले आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन करना होता है, वो भी आपका फिक्स डिपॉजिट कम से कम 30 दिन पुराना होना चाहिए, तब उसके अगेंस्ट में आपको पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करेगा। तो पहले आप वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दे रखी है जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या नियम और शर्तें हैं, ये सब कुछ जान लीजिए वो वीडियो देख करके। और उसके बाद आप वीडियो देखिए कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, क्रेडिट कार्ड पाने के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा पूरा, तब आपको समझ आएगा। और वैसे अब तक आपने पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर न किया हो तो इसका भी वीडियो हमने बना रखा है कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को कैसे रजिस्टर और एक्टिवेट करते हैं बिना डेबिट कार्ड के, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वो सारे आपको आई बटन में मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे, तो ज़रूर से देख लीजिएगा सारे वीडियोज़। तो अब आइए मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं और सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं कि कैसे हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग से, मतलब पीएनबी वन ऐप के ज़रिए से पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो अब आइए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे हम पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है पीएनबी वन ऐप, उसको ओपन करना है इस तरह से और इसमें लॉगिन कर लेना है। और हमने पहले से ये भी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी ओपन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पंजाब नेशनल बैंक में एक एफडी ओपन करना होता है और आपका एफडी कम से कम 30 दिनों पुराना होना चाहिए है, मतलब कि कम से कम एक महीना पुराना आपका एफडी होना चाहिए है, तब आप उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना एफडी ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन पीएनबी वन ऐप के जरिए। तो अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट में चाहिए है तो सबसे पहले आपको एफडी क्रिएट करना होगा पंजाब नेशनल बैंक में। वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि ये कैसे आपको पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए एफडी ओपन करना होता है। तो आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो सारे आपको आई बटन में मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, मतलब कि ये फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड चाहिए है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो आपको पूरे करने होते हैं तभी आप पंजाब नेशनल बैंक का ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अब आइए पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। अब हमें नीचे आना होता है स्क्रॉल करते हुए इस तरह से, तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे इन्वेस्ट / अप्लाई वाले सेक्शन में, हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी। तो इस वाले ऑप्शन पे हमें टैप कर देना होता है। और आपको मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि पहले आपका एफडी क्रिएट होना चाहिए, पहले से आपका एफडी होना चाहिए है पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में, तभी आप उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसके अगेंस्ट में, ये याद कर लीजिएगा। और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आइए देखिए हमारा पहले से एफडी है तो वो दिखा रहा है, एफडी अकाउंट दिखा रहा है हमारा, कितने का हमारा एफडी है वो भी दिखा रहा है एफडी अमाउंट, और सेंक्शन अमाउंट यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मतलब क्रेडिट कार्ड पे हमें कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। टोटल सेंक्शन लिमिट 0 क्योंकि अभी क्रेडिट कार्ड जो है हमारा इशू नहीं किया गया है,
तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो आपका FD अकाउंट होता है बस इस तरह से सेलेक्ट कर लेना होता है और उसके बाद आपको कन्फर्म पर टैप कर देना होता है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD डियर मुजफ्फर सादिक कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD विद अ सैंक्शन लिमिट ऑफ 80,000। मतलब 1,00,000 का FD है तो उस पर हमें जो है 80% के हिसाब से 80,000 क्रेडिट लिमिट मिलेगी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जानकारी दे रखी है। ये देखिए कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है, इसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा एक क्रेडिट कार्ड PNB का, रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, यही क्रेडिट कार्ड हमें दिखाया जा रहा है और तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो इस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड दिखाया जाता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड अगर एक देखने को मिले या फिर दो या तीन तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना होता है, जैसे कि हमें यही वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए और कोई क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो हमने ये वाला क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, PNB रुपे सेलेक्ट कार्ड। अब देखिए इसके कुछ आपको फीचर्स और बेनिफिट्स बताए गए होते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस की नील है, मिनिमल एनुअल फी, हालांकि एनुअल फी नहीं बताई गई है लेकिन ये बताया गया है कि बहुत ही कम होगी एनुअल फी। कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेगा इसमें, कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस मिलेगा, ये बताया गया है कि 10,00,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम हेल्थ चेकअप पैकेज भी मिलेगा, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो हमें कार्ड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स पहले से फिल्ड रहती हैं, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो चाहे तो हम इसको नोट कर सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं रहती हैं वो सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, प्रेफर्ड नेम ऑन कार्ड, ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पे इंटर करेंगे और जो आपको नेम चाहिए आपके कार्ड पे वो आप इंटर करेंगे, फिल करेंगे इसमें। उसके अलावा नॉमिनी की डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं, यहाँ पे नॉमिनी का नेम रहेगा, रिलेशनशिप क्या है आपका नॉमिनी के साथ में वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, और नॉमिनी का एड्रेस वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इन केस अगर नॉमिनी माइनर है तो गार्जियन का नेम और गार्जियन का एड्रेस चाहिए होता है। कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि एड्रेस की डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं, तो ये तो हमारे बैंक अकाउंट से फेच कर ली गई हैं जो भी डिटेल्स हैं। तो अगर आपको यही वाला एड्रेस चाहिए हो जो आपके बैंक अकाउंट में है तो आपको यस कर देना है, और अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पे अपना कार्ड डिलीवर कराना चाहते हो तो ऐसे में आपको नो वाले ऑप्शन पे चेक करना है, नो वाला ऑप्शन चूज करना है और आपको ऊपर अपना एड्रेस, जिस भी एड्रेस पे आप अपना कार्ड डिलीवर कराना चाहते हैं वो फिल कर देंगे और उसके बाद सबमिट पे टैप करना होगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए, एग्री करते हुए टर्म्स एंड कंडीशन पर टैप करके आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ लेना सही होता है, उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। तो आइए हम फटाफट से सारी डिटेल्स फिल करते हैं और सबमिट पर टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं, अब हमें सबमिट पर टैप कर लेना होता है इस तरह से। अब एक OTP आता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो OTP हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। तो ये हमने OTP एंटर कर लिया है, अब वेरीफाई OTP पर टैप कर लेना होता है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर मुजफ्फर सादिक, योर क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है और हमें SMS भी आ जाता है इसका। और हमारा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है वो मोबाइल बैंकिंग ऐप में दिखने लगता है। तो आइए चेक करते हैं कि अभी ये कार्ड हमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो फिलहाल तो अभी ये क्रेडिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 1-2 दिनों के अंदर अंदर जो वर्चुअल कार्ड होता है हमारा वो दिखने लगता है मोबाइल बैंकिंग ऐप में। तो इस तरह से हम पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये था इसका प्रोसेस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।